वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मास एंड वेट। ओके, यदि आपने इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो उनको भी आप जरूर देखें, क्योंकि सारे वीडियोस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और अगर आपका कोई भी वीडियो लिंक होता है तो आपको चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं मास क्या होता है। मास को हम स्मॉल एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मतलब किसी भी बॉडी का जो मास जो होता है उसके अंदर क्या शो करता है, उस ऑब्जेक्ट के उस बॉडी के अंदर कितने मतलब मैटर की क्वांटिटी को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? मतलब किसी भी बॉडी का जो मास जो होता है उस बॉडी के अंदर कितना मैटर मतलब कितने अमाउंट के अंदर मैटर प्रेजेंट है वो उस बॉडी का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। जैसे सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इतने अमाउंट के अंदर क्या है, मैटर जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर का जो अमाउंट होता है वही उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है, मास कहलाता है। क्लियर? अब हमें एक पिक्चर्स यहाँ पे ये दी गई है, इसमें हमें बताया गया है ह्यूमन बॉडी का क्या दिखाया गया है, बायोकेमिकल कंपोजिशंस दिखाया गया है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो जनरली किसकी बनी होती है, बोन्स और मसल्स की बनी होती है, और जो बोन्स और जो मसल्स होती हैं वो किससे बनी होती है, केमिकल से मिलकर बनती है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का बायोकेमिकल कंपोजिशन। तो आपको पता चलेगा कि इस पिक्चर्स को देखने के अंदर कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा केमिकल होता है वो होता है, ज्यादा अमाउंट के अंदर जो होता है केमिकल वो होता है वाटर, वो कितना होता है, 54% to 70% होता है। क्लियर? इसके बाद हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, लिपिड होता है 14% to 26%। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर होता है प्रोटीन, वो होता है 11% to 17%। इसके अलावा जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वो होते हैं 6% to 5% तक हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 1% होता है। मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो है उसका जो कंपोजिशन है उसके अंदर क्या क्या है, वाटर, लिपिड, प्रोटीन, अदर केमिकल्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारी बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन जो है वही हमारी बॉडी की मास को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। यदि कोई मतलब ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर यदि ये केमिकल कंपोजिशन का अमाउंट कम है तो उसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज किसी बॉडी के अंदर इन केमिकल कंपोजिशन का अमाउंट ज्यादा होगा तो उस बॉडी का जो मास जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो जो मास जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना कंपोजिशन प्रेजेंट है, वही हमारी बॉडी का क्या होता है, मास होता है। क्लियर? अब दूसरी चीज है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो मास जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ये होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, मतलब सिर्फ वैल्यू होती है उसको लिखने मतलब उसके अंदर मतलब मास को लिखने के अंदर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मतलब डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। सपोज हमने क्या लिखा है कि हमारा मास कितना है, 50 kg है, तो इसके साथ हमें सिर्फ 50 kg लिख देंगे ना, 50 kg का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया है, इसके साथ हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं मास को स्केलर क्वांटिटी। मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास जो होता है वो एक मतलब क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ओके, इसकी मतलब ये मतलब जो मास जो होता है किसी भी बॉडी का उसको वो प्लेस टू प्लेस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। सपोज आप किसी बॉडी का मास मतलब क्या है, किसी एक प्लेस पे यदि 50 kg है तो अगर आप दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे, सपोज आप यहाँ पे मतलब है जयपुर के अंदर सपोज, तो आपका मास जो है 50 kg, यदि आप तमिलनाडु जाएंगे तो भी आपका मास क्या होगा, 50 kg रहेगा। मतलब मास जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। क्लियर? अब यहाँ पे यही समझाया गया है कि स्केलर, इस पिक्चर्स में आप देखेंगे कि हम यहाँ से समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मैंने मास लिखा है तो मास के इसको सिर्फ मैंने किससे डिनोट किया है, मतलब मैग्नीट्यूड से डिनोट किया है, मतलब मास इक्वल टू 50 kg, इसके साथ मैंने डायरेक्शन नहीं लिखी है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं मार्स पे जा रही हूँ तो भी मैंने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, इसके साथ मैंने डायरेक्शन नोट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मतलब स्केलर क्वांटिटी के अंदर अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा,
मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, उसके साथ उसकी डायरेक्शंस जो होती है वो आपको नहीं लिखनी पड़ती है। इस पिक्चर्स में ये भी समझाया गया है कि जैसे हम एक प्लेनेट, यदि हम एक मतलब अर्थ के ऊपर हैं, ओके मतलब अर्थ प्लेनेट पे हैं, तो ह्यूमन बॉडी का मास कितना है, 50 kg है। यदि आप दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं, मार्स के ऊपर चले जाते हैं, तो भी आपका मास जो है 50 kg है। तो मतलब इसका ये है कि यदि आपको एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाएं, या फिर एक प्लेस से आप दूसरे प्लेस पे जाएं, तो आपका मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ओके सपोज आपका मास यदि अर्थ पे 50 kg है, तो मार्स के ऊपर भी आपका मास कितना होगा, 50 kg होगा। क्यों? क्योंकि जो मास जो होता है ना, वो मतलब किसी भी मतलब ग्रेविटी, मतलब जो जी होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जो हमारा मास जो होता है वो क्या होता है, मतलब कोई से भी प्लेस पे जाओ या कोई से भी प्लेनेट पे जाओ, वो एक कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर? अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कि जो एसआई यूनिट ऑफ मास इस किलोग्राम, जो मतलब इसकी जो मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। क्लियर? मतलब आपको मास को किसमें शो करना पड़ता है, केजी के अंदर लिखना पड़ता है। मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो, किसी भी बॉडी का जो मास जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है, और मैटर किससे मिलकर बने हैं, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका कोई ना कोई मास जरूर होता है। क्लियर? तो इसी वजह से क्या होता है कि कभी भी बॉडी का जो मास जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। ओके यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।